हर हर महादेव, जय श्री केदार। केदारनाथ यात्रा 10 मई को करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी जानकारी है। अगर आप सभी स्टार्टिंग डेज में केदारनाथ जी यात्रा पर आ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही साथ अपने उस साथी के साथ भी शेयर कर लें जो आपके साथ केदारनाथ जी यात्रा 2024 पर 10 मई को आ रहा है। क्योंकि आप सभी को बता दें, केदारनाथ में एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है जिसके कारण यहां पर केदारनाथ मार्केट पूरी तरह से बंद रह सकती है और इसके कारण आपको यात्रा में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, हम बात करते हैं केदारनाथ जी यात्रा में क्या बवाल हुआ है, क्या साथ ही साथ इसको लेकर क्यों वहां के लोग भड़क चुके हैं। जिस तरह से आप सभी को पता होगा, केदारनाथ धाम में 2013 को बहुत ही बड़ी आपदा आई थी जिसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट दिया गया था और ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में पूर्ण निर्माण कार्य चलाए जा रहे जिसके चलते यहां पर भवन और धर्मशालाएं बनाई जा रही है यात्रियों की सुविधाओं के लिए, रुकने के लिए। वहीं बड़ी खबर ये है कि 10 मई से केदारनाथ में बेमियादी बंद की चेतावनी दी गई है। केदारनाथ में पूर्ण निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढे बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हकूकधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तहरीर की है। पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी है। केदारनाथ के कपाट भी 10 मई को खुल रहे हैं। आप सभी को बता दें, जो खबर है वो खबर इस प्रकार की है, केदारनाथ में जो पूर्ण निर्माण कार्य चलाया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर, वहाँ के लोगों के, जिन्हें हकूकधारी कहा जाता है, वहाँ क्या हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्शंस के चलते वहाँ पर वो जो है वो गड्ढे निकाले गए हैं, ठीक है, और साथ में कुछ शेड्स जो है वो शस्त्रग्रस्त भी हुए हैं। इसके तहत यहाँ के लोगों में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। व्यापारी लोगों का कहना है कि इस समय में ये जो कंस्ट्रक्शन था वो बंद रहना चाहिए था क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली है, इस टाइम यात्रा का सीजन है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले तीर्थ यात्री है उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और साथ में ये जो सीजन रहता है वो उनके पक्ष में रहता है क्योंकि एक ही सीजन केदारनाथ में व्यापारियों का रहता है जो कि वह 6 महीने तक कमाई कर पाते हैं। इसके बाद 6 महीने तो केदारनाथ मंदिर बंद रहता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इन कार्यों में केदारनाथ से जुड़े लोग प्रशासन का हर संभव सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूर्ण निर्माण के नाम पर मनमानी कर रहा है, हकूकधारियों व अधिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बताया कि कुछ दिनों से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित व हकूकधारियों के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के आगे गड्ढे किए जा रहे हैं जो समझ से परे हैं। इन गड्ढों से उन्हें भवन को खतरा पैदा हो गया है। इस भवन में अधिकारी कर्मचारियों से पूछने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कहा कि केदार घाटी के सैकड़ों परिवार यात्रा पर निर्भर हैं, यानी कि देखिए कई सारे लोग हैं कि जो केदारनाथ यात्रा पर ही निर्भर करते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने हमारी जल्द से ना सुनी तो शासन प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में 10 मई को केदारनाथ में व्यापारी होटल, लाज, ढाबा, दुकान, भवन और विश्राम गृह बंद रखेंगे। और जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार की है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर केदारनाथ मंदिर 10 मई को बंद रहती है या फिर इस पर हड़तालें अगर शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि सरकार देखिए इसे काम को जल्द से निपटाए, क्योंकि आप सभी को बता दें यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड टूट संख्या में अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और पिछले साल का रिकॉर्ड तो इसमें तोड़ा ही है, पर इस वर्ष ऐसा ना हो जाए कि देखिए आप 10 तारीख को, हम 10 तारीख को जाएं तो उसके बाद वहां पर अगर पूरी मार्केट बंद रही, केदार घाटी बंद रही, तो खान पीन का जो सिस्टम है, खान पीन की सामग्री कहाँ से मिलेगी, पानी कहाँ से मिलेगा, साथ ही साथ में रहने की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, इससे कहीं ना कहीं आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा केदारनाथ यात्रा में। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी है। इसको लेकर जो भी अपडेट हमारे पास पहुँचेगा वो हम आपसे अपडेट इसी चैनल पर करते रहेंगे। साथ में ये भी बता देंगे कि यह हड़ताल जो है 10 मई को होने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि आप सभी को बता दें इस हड़ताल को लेकर हकूकधारियों का कहना है कि कन्फर्म होगी अगर सरकार उनकी मांगे जल्द से पूरी ना कर ले, वहां पर जो सामान्य स्थिति थी उसी तरह से ना कर ले। साथ ही साथ ये भी खबर है कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, चार धाम यात्रा में 100 रोडवेज बसें
लगाई जाएंगी। वहीं तीर्थ यात्रियों की उत्तराखंड में आवक बढ़ाने के बाद ही निगम चलाता है ये बसें, ये भी आप सभी के लिए जरूरी जानकारी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये भी बड़ी जानकारी है कि देखिए यात्रा पर आते वक्त अपने साथ गर्म कपड़ों का जरूर साधन रखें, क्योंकि केदारनाथ में काफी ज्यादा ठंड रहती है। फिलहाल जो खबर है केदारनाथ से जुड़ी कि जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसके चलते वहां पर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है और हड़ताल पर अड़े हैं, और कहा उन्होंने कि हम पूरी तरह से केदारनाथ घाटी को बंद रखेंगे। तो इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल द्वारा अपडेट कर दूंगा।